भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आज सब्जी मंडी समिति अरोरा में किसानों के धान की खरीद न होने के कारण किसान यूनियन द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया है। वहीं किसानों ने कहा कि NCCF एग्रो का क्रय केंद्र बंद हो जाने से धान क्रय सेंटरों के पंजीकृत किसान अपने धानों को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं और बिचौलियों का शिकार होकर 1,000 रुपये से लेकर 1,200 में धान बेचने पर विवश हैं और दूसरे सेंटरों पर नमी बोरे की कमी व नंबर का हवाला देकर किसानों को वापस कर दिया जा रहा है, जिससे किसान आज परेशान है। वहीं किसानों ने मांग की है कि नेफेड, NCCF, एग्रो अन्य केंद्रों को जो पिछले दिनों बंद कर दिया गया है, वहीं के पंजीकृत किसानों के धान को प्राथमिकता के आधार पर खाद्य विभाग PCF के सेंटरों पर खरीदा जाए। वहीं सरकार का जो दावा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों के धान का भुगतान किया जा रहा है, वह दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आज दिसंबर और जनवरी में खरीदे गए धान का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे किसान दर दर भटक रहे हैं। अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए किसानों को भुगतान जल्द से जल्द कराएं और जनपद के आलू भंडारण की समस्या को देखते हुए नारायणपुर और मिर्जापुर में जो सरकारी आलू मिल बंद पड़े हैं उसे चालू कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ वहीं दिल्ली में 75 दिनों से किसान बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान अपनी धानों को बेचने के लिए विवश व मजबूर हैं। जो है वहाँ पंचायत रख क्यों रखा गया है यहाँ पर? मैं प्रहलाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष, विंध्याचल मिर्जापुर। यहाँ किसान जो है मंडी परिसर अरोरा में 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था प्रशासन को और यहाँ रखा हुआ है कि धान खरीद जो किसानों का चल रहा है उसमें अनियमितता की जा रही है। महीनों से किसान जो है यहाँ चक्कर काट रहा है, क्रय केंद्रों का नमी बताकर, बोरे की कमी बताकर इसको वापस कर दिया जा रहा है और जो है करीब 45 दिनों से ऊपर हो गया जो धान किसान बेचा हुआ है, चाहे अरोरा का PCF हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे अदलहाट हो, चाहे घाटमपुर हो, सोनपुर हो, कहीं का भी हो, खुलना हो, इसमें किसानों का जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है, किसान धान बेच कर भी लाचार है, बहुत से किसानों का धान भी नहीं चढ़ाया गया है। पिछले वर्ष के भी किसानों का जो धान खरीदा गया है वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ का DPRMO भी गायब है, DS भी गायब है, ये लोग धान नहीं खरीदवा रहे हैं। बोरा तो यहाँ PCF के केंद्र पर महीनों से बोरा समाप्त है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। हमें मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर DS और SDM साहब लेकर आवे, अब जो DPRMO को यहाँ जो जिन किसानों ने पंजीकृत करा के यहाँ पर अपना प्रारूप जमा किया हुआ उनका धान खरीदें। 58 क्रय केंद्र जो बंद कर दिए गए हैं उन किसानों का भी धान वरीयता के आधार पर खाद्य विभाग और PCF के केंद्रों पर खरीदवाया जाए, नहीं तो किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन और तेज करेगा, हर केंद्रों पर करने के लिए बात हो जाएगा। इसी यहाँ से हम संदेश पूरे जिले को देना चाहते हैं।